नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा आपको सारी खुशियां दे। आज का जो वीडियो है बेहद खास है। आज मैं आपको बता रही हूं, इस जगह पर हाथ फेर दें थोड़ी देर और चमत्कार देखें अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में अथाह धन संपदा आएगी, आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपके घर का एक एक सदस्य उन्नति को प्राप्त होगा। तो बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दो मिनट आपके लेना चाहूँगी मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श लेने के लिए आज आखिरी दिन है, ऑफर का आखिरी दिन है। वैसे तो आप पूरे वर्ष भर परामर्श ले सकते हैं, लेकिन अभी 1500 में दो सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं और उसका आज आखिरी दिन है। तो आज आप जितने भी लोग हैं जो परामर्श लेना चाहते हैं, अपना अमाउंट आज ही जमा करा दीजिए। 1500 में आप दो सवाल पूछ सकते हैं, बाद में आपको 4200 रुपये दो सवाल के देने पड़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूर्ण जानकारी। मित्रों, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में ऐसा बोलते हैं, अरे मेरा तो फ्रिज बिल्कुल बेकार है, मेरा तो टीवी है ना इसमें तो पिक्चर ही साफ़ नहीं आती, मेरी तो मिक्सी बिल्कुल बेकार है, मैं बहुत दुखी हूँ अपनी मिक्सी से, या मेरी जो रसोई की स्लैब है वो बड़ी गंदी है, बहुत ही बेकार है। मतलब कुल मिला के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप वाक्य शब्द निकालते हैं और आपको पता नहीं होता है कि ये एक प्रकार की नेगेटिविटी को आप क्रिएट कर रहे हैं। हमेशा सकारात्मक शब्द जब आप अपनी ज़ुबान से निकालेंगे तो आपकी घर की बुरी से बुरी चीज़, बेकार से बेकार चीज़ भी आपकी तरक्की वाली बन जाएगी और बरकत वाली बन जाएगी। तो इस चीज़ को आप आज़मा के देखिएगा और इसका मैं तरीका आपको बता रही हूँ। सजीव और निर्जीव चीज़ सभी हमें फ़ायदा या नुकसान देती है। जैसे कि हम एक ऑल पिन की ही बात करें, वो निर्जीव होती है, या एक कांटे की बात करें, वो निर्जीव होता है, लेकिन जब चुभ जाए तो असहनीय वेदना हो जाती है। कांटे को तो छोड़िए, छोटी सी फांस ही जीना दुभर कर देती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके अलावा कोहनी की चोट कितनी खतरनाक होती है आपको पता है। निर्जीव सी लगने वाली दीवार से अगर कोहनी टकरा जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। तो ये सब चीज़ें मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है और आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपनी चीज़ों पर सुबह सुबह हाथ फेरिए, सुबह सुबह अपनी गैस के चूल्हे पर हाथ फेरिए, उसको एनर्जी दीजिए। वो कितना भी बेकार क्यों ना हो, वो आपके लिए अच्छा बन जाएगा। आप उसमें अपने प्यार फूंकिए, अपना प्राण तत्व दीजिए उसको और अपना स्नेह दीजिए और उतना दुलार कीजिए उस चीज़ को जितना आप किसी जीवंत चीज़ को देते हैं। और यही प्रक्रिया आपको सभी चीज़ों पर अपनानी है। सुबह अपने घर की झाड़ू उठाएं तो उस झाड़ू को मात्र एक झाड़ू ना समझें, उसको एक बहुत दिव्य औजार समझें जो आपके घर में गंदगी को समाप्त करके सुख समृद्धि को देता है। और वैसे भी हम झाड़ू को तो लक्ष्मी माता मानते ही हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते ही हैं। तो इस तरह से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ गए। जब भी आप किसी चीज़ का प्रयोग करें, फॉर एग्जांपल आप शैम्पू प्रयोग कर रहे हैं, तो शैम्पू लगाने से पहले उस शैम्पू में एनर्जी डालें, उस शैम्पू में सकारात्मक भाव डालें कि वो शैम्पू आपके बालों को बिल्कुल अच्छा बना देगा, उसके प्रयोग से आपके बाल बहुत सुंदर बन गए हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको हर चीज़ का यूज़ करना है और ऐसा करने से चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेगा। आप देखिएगा आपके पूरे मनोभाव बदलते ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़कर उन पर, जिसको बोलचाल के शब्दों में बोलते हैं, खुंदस निकालने की बजाय उन चीज़ों में अच्छे भावों को ढूंढें, अच्छे भावों को उनमें प्रेषित करें। सुबह सुबह उन पर हाथ फेरें। जिस चीज़ का भी आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कपड़े पहन रहे हैं, तो सबसे पहले अपने कपड़ों को सहलाइए, कपड़ों में प्यार प्रेषित करिए और वो उन कपड़ों को थैंक्स भी बोलिए। थैंक्स वाले टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि रात्रि को सोने समय आपको किन चीज़ों को थैंक्स बोलना चाहिए। आप 10 चीज़ों को थैंक्स बोलने का नियम बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अभूतपूर्व या अतुलनीय समृद्धि होने लगेगी, जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा।